कोविड टीके की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 3,90,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 14,14,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। 10,24,00,000 लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। ये संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी की लगभग 70% है। वैक्सीनेशन को और तेज करने की जरूरत है। हर जिले में निरीक्षण टीमें गठित की जाए। ये टीम एक दिन में कम से कम 2 टीकाकरण सेंटर का दौरा करे, व्यवस्थाओं को देखे। इसी प्रकार निगरानी समितियों द्वारा घर घर स्क्रीनिंग कर अब तक वैक्सीन न ले सके लोगों की सूची तैयार की जाए। दिव्यांग, असक्षम, निराश्रित वृद्धजनों से संपर्क कर उनका टीकाकरण कराए। ये निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 9 के एक साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में महामारी पूरी तरह नियंत्रित है। प्रदेश के 45 जिलों में आज एक भी संक्रमित नहीं है, जबकि 19 जिलों में एक एक मरीज ही शेष है। बीते 24 घंटे में 1,22,074 सैंपल की जांच में 70 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। केवल 5 जनपदों में कुल 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 8 संक्रमित कोरोना से मुक्त हो गए। आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 99 है, जबकि 16,87,280 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।